दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल VPN गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों आज है 1 सितंबर और पिछली वीडियो में आपने गोगा मेडी का पूरा दृश्य देखा। वहां मंदिर पे बैरिकेटिंग जो ओपन की है और उसके बाद जो भी यात्री आ रहे हैं वो बाबा के मंदिर के नज़दीक जो बैरिकेटिंग है वहाँ से दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है और यहाँ मैं आपको गोरख टीला लेके जा रहा हूँ। वहाँ क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ दृश्य है, क्या कुछ चेंजिंग हुई है, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ गोरख टीला के बस स्टैंड पे। 29 तारीख को जब मैंने यहाँ का आपको दृश्य दिखाया तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भयंकर भीड़ थी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यात्री आए हुए थे और आज 1 सितंबर का आपने दृश्य देखा है, यहाँ कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा बस स्टैंड आपको खाली नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ अभी यात्री बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं और ये जो रोड है वो गोरख टीला की ओर जा रही है। आप सामने गोरख टीला देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों कुछ भक्तजन जो इन पेड़ों के नीचे आराम फरमा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। और एक आगे ट्रॉली लगी हुई है, वहाँ भी यूपी के जो भक्त है वो आए हुए हैं। और ये मंदिर के बिल्कुल नज़दीक का दृश्य आप देख रहे हो दोस्तों। चलिए मैं आपको मंदिर के नज़दीक ले जाता हूँ और यहाँ जो भक्तजन आ रहे हैं और जा रहे हैं उनका दृश्य आप देख रहे हो। आज यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि 29 तारीख को जब हम यहाँ आए थे, यहाँ का दृश्य शूट कर रहा था, उस वक्त मैंने आपको दिखाया यहाँ जो पुलिस बल लगा हुआ था और मेला प्रांगण खाली करवा रहा था। और आज ऐसा कुछ भी दृश्य यहाँ नहीं है, यात्रियों की संख्या नाम मात्र है दोस्तों, पूरा का पूरा मेला ग्राउंड खाली पड़ा है। ये देखिए दोस्तों कुछ कुछ यात्री जो आ रहे हैं और कुछ यात्री जा रहे हैं मंदिर में। दोस्तों आप देख रहे हो मंदिर के सामने का दृश्य, ये गोरख टीला का भव्य नज़ारा है दोस्तों। जो सामने बैरिकेटिंग थी 29 तारीख को वो भी अभी यहाँ खोल दी गई है। ये साइड का व्यू मैं आपको दिखा दूं और उसके बाद मैं आपको लेके चलने वाला हूँ गोरख टीला के अंदर। ये देखिए दोस्तों जो बैरिकेटिंग की हुई थी 29 तारीख को वो आज यहाँ आपको ओपन नज़र आ रही है। यहाँ किसी भी प्रकार की बैरिकेटिंग अभी नहीं है दोस्तों। 29 तारीख को जहाँ बैरिकेटिंग देख रहे थे वहाँ अभी सपेरे बैठे हैं। ये देखिए दोस्तों जो किंग कोबरा सांप लेके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। चलिए मैं किंग कोबरा दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इनके पास काले सांप, काले नाग। जहारवीर के मंदिर पे दोस्तों सांप देखना आम बात है। ये देखिए दोस्तों डबल डबल जोड़े में इनके पास काफ़ी बड़े बड़े किंग कोबरा, वो भी एकदम काले नाग। तो दोस्तों गोरख टीला के अंदर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर चहल पहल मुझे नज़र आ रही है, भीड़ ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ यात्री मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो ऊपर फुटब्रिज है दोस्तों वहाँ से आज मंदिर के अंदर जो भक्त आए हुए हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। जो पहला गेट है जहाँ तक हमेशा मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, अभी आज भी भक्तों के लिए वहीं तक खोला गया है। और गेट नंबर 2 है, वहाँ हमें लोक मिलेगा, मंदिर वहाँ के जो कपाट है वो बंद मिलेगा। दोस्तों जो बैरिकेटिंग बनाई गई थी कोरोना काल में, जब फर्स्ट लहर के बाद जो मंदिर ओपन किया था, आज उसका सदुपयोग हो रहा है। ये देखिए दोस्तों जो भी भक्त आ रहे हैं और जा रहे हैं वो इसी बैरिकेटिंग के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको गोरख टीला के बाहर का दृश्य दिखा देता हूं। हमेशा मैं इस गेट से आपको अंदर का व्यू दिखाता हूं, आज ये गेट बंद है और जो ऊपर का फुटब्रिज है दोस्तों वो आज चालू है। ये आप फुटब्रिज का नज़ारा देख रहे हो दोस्तों, जो भक्त हैं वो फुटब्रिज से आ रहे हैं और वापिस जा रहे हैं बाबा के दूणे के दर्शन करने के लिए। ये यहाँ का जो सामने का प्रांगण है उसका दृश्य दोस्तों, हमेशा हमें यहाँ काफ़ी भारी संख्या में कबूतर बैठे हुए नज़र आते हैं।
तो चलिए दोस्तों, जो गेट है उसके नज़दीक का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर कितनी भीड़ है वो भी हम यहाँ से ही देख लेते हैं और उसके बाद हम अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हो मुझे एक दो यात्री ही नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा यात्री नहीं है, भीड़ कुछ भी नहीं है। चलिए मैं ऊपर से, इस रेलिंग के ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी कुछ यात्री अंदर जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अंदर का व्यू, आप सामने सीधा दर्शन कर रहे हैं गोरख टीला के। तो अभी यहाँ का जो साइड का व्यू है वो मैं पहले आपको दिखा दूँ। ये दोस्तों यहाँ की जो जाल है उनके नीचे भी मुझे भक्त बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद हम चलने वाले हैं गोरख टीला के अंदर। ये देखिए दोस्तों, जो भक्तजन आए हुए हैं वो अपनी पूजा पाठ यहाँ इन जाल के जो पेड़ है उनके नीचे करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो बाहर भक्तजन अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो फुटब्रिज बना हुआ है उस रेलिंग के नीचे, उनका भी मैं आपको नज़दीक से दृश्य दिखा देता हूँ। और दोस्तों काफ़ी भक्तों के कमेंट आ रहे हैं कि ऑनलाइन दर्शन कैसे किया जाए, वो कौन सी ऐप है, वो कौन सी साइट है। तो उसके लिए जो गोरख टीला प्रांगण में बोर्ड लगा हुआ है उसका भी मैं व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो आप इस बोर्ड पर पूरा का पूरा तरीका वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि हम ऑनलाइन दर्शन कैसे कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, 11 रुपये से 21,000 रुपये तक आप ऑनलाइन दान दे सकते हैं और जो गोरख टीला की वेबसाइट है दोस्तों उस पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये दोस्तों जो भक्त हैं वो देखिए पूजा पाठ करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। जो फुटब्रिज है उनके नीचे आराम से ये अपना यज्ञ कर रहे हैं, अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। ये दोस्तों देखिए, काफ़ी जो भक्त हैं वो इन रेलिंग से होते हुए बाबा के मंदिर में जा रहे हैं और इसी रेलिंग से होते हुए मैं भी आपको प्रथम गेट तक, जहाँ तक भक्तों को जाने दिया जा रहा है वहाँ तक आपको लेके जाने वाला हूँ। दोस्तों ज़्यादा भीड़ नहीं है, हल्की फुल्की चहल पहल आपको मंदिर प्रांगण के अंदर दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, जो भक्त हैं इस रेलिंग से होते हुए दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में जा रहे हैं और कुछ भक्त हैं जो वापस आ रहे हैं। दोस्तों मंदिर प्रांगण के अंदर के जो प्रवेश है उसे यहाँ देखकर इन भक्तों के मुख पर प्रसन्नता आपने देखी है, ये भक्त खुश हैं। हालांकि कपाट बंद है परंतु मंदिर प्रांगण के अंदर आने की आज यहां व्यवस्था ओपन है। 3 दिन पहले 29 तारीख को यहां बैरिकेडिंग थी, कोई भी भक्त अंदर नहीं आ पा रहा था। ये देखिए दोस्तों, जो भक्त है वो काफ़ी खुश कैमरे के सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ये दोस्तों सोशल डिस्टेंस से चलने के लिए यहां नीचे ज़मीन पे इस फुटब्रिज पे आप गोल चक्कर कलर के लगाए हुए देख सकते हो। सोशल डिस्टेंस का उपयोग करते हुए यहाँ जो भक्तजन है वो अभी दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ से पूरे गोरख टीला का व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और आप ऊपर के बादल जो देख रहे हो आज, देखिए काफ़ी सुंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। आज मौसम काफ़ी क्लियर है और धूप भी नहीं है यहाँ। और गोगामेड़ी के आजू बाजू के एरिए में दोस्तों आज कुछ जगह बारिश भी हुई है, तो काफ़ी ठंड भरा मौसम है, काफ़ी सुकून भरा मौसम है। ये दोस्तों जो भक्त हैं वो मंदिर प्रांगण से बाहर आते हुए आप देख रहे हो। ये दोस्तों यहाँ के जो सोशल डिस्टेंस के सिंबल मंदिर की ओर जाते हुए, चलिए मैं भी आपको ले चलता हूँ गोरख टीला धुणे के अंदर, जहाँ तक हमें दर्शन हो गए वहाँ तक मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। दोस्तों ये प्रथम गेट आप सामने देख रहे हो, धूणा पन्यास गोरख टीला में आपका हार्दिक स्वागत है। ये दोस्तों सामने का 2 नंबर गेट आप देख रहे हो, वहीं से दर्शन हो रहे हैं, उससे आगे जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। और कुछ श्रद्धालु जो मेरे आगे आगे चल रहे थे वो यहाँ आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों ऊपर का दृश्य दिखा दूं मैं दोस्तों, ये देखिए धूणा श्री गोरखनाथ जी
गोरख टीला गोगाना। ये दोस्तों यहीं से दर्शन हो रहे हैं, जो भी भक्त आए हुए हैं वो यहीं से दर्शन कर रहे हैं। तीन दिन पहले यहाँ तक भी नहीं आने दिया जा रहा था। बाहर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर बैरिगेटिंग कर दी गई थी, क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। आज भक्तों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए बैरिगेटिंग हटी हुई आप यहाँ देख रहे हो। ये देखिए दोस्तों, भक्त लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं, ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ का मैंने आपको दृश्य दिखा दिया है, चलिए अभी मैं बाहर ले चलता हूँ आपको। और ये देखिए दोस्तों, एक बार और दिखा दूँ मैं आपको, जो काफ़ी भक्त और आए हैं। तो दोस्तों बाहर जो गोरख गंगा है, प्राचीन कुआं है, उसका भी मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ। वहाँ अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं है, बैरिगेटिंग की हुई है, कंटीले तार लगाए हुए हैं, परंतु इस फुटब्रिज के ऊपर से वहाँ का पूरा व्यू हम देख सकते हैं। और दोस्तों एक काफ़ी बड़ा संघ आपको मंदिर के अंदर जाते हुए नज़र आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा संघ अभी यहाँ आया है, इसका व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, और उसके बाद गोरख गंगा के दर्शन आपको मैं करवाने वाला हूँ। दोस्तों आप सामने गोरख गंगा को देख रहे हो, अभी उसमें पानी नहीं है, गोरख गंगा एकदम खाली है, उसके अंदर घास उगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और प्राचीन जो कुआं है उसका भी दृश्य आप देख सकते हो। और नौलखा बाग है दोस्तों, वो इस गोरख गंगा के बिल्कुल पीछे जो हरियाली हरा भरा क्षेत्र देख रहे हो, वो नौलखा बाग है यहाँ का। तो दोस्तों यहाँ के मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं, और ये गोरख टीला के बाहर का जो मेन दरवाज़ा है वहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। काफ़ी सुंदर दृश्य दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ भक्त आ रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, और ऊपर जो बादल है उनका नज़ारा दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहा है। ये दोस्तों मैं मुख्य दरवाजे के पास आ चुका हूँ, और अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक गाड़ी सामने से आते हुए हमें दिखाई दे रही है, भक्तों का यहाँ लगातार तांता लग रहा है, भीड़ कम है। ये आपको मंदिर का एक बार व्यू फिर से मैं दिखा देता हूँ। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ गोरख टीला के बाहर, और सामने का जो बत्ती चौक है वो आप देख रहे हो। तीन दिन पहले यहाँ का नज़ारा कुछ अलग था, आज का नज़ारा कुछ अलग है। दोस्तों यहाँ वो पुराने वाला जोगी आज फिर बैठा है, बड़ा अजगर लिए हुए, चलिए उसका भी मैं आपको व्यू दिखा दूँ। ये दोस्तों यहाँ का बाहर का दृश्य, और ये वो जोगी दोस्तों जो अजगर के साथ यहाँ हमें अक्सर मिलता है गोरख टीला के बाहर। काफ़ी बड़ा अजगर है दोस्तों इनके पास, इनकी संख्या दो या तीन होती है, परंतु आज ये अकेले ही बैठे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की यहाँ की अपडेट गोरख टीला की, यहाँ का पूरा दृश्य मैंने आपको दिखा दिया है। 29 तारीख को जो हमें बैरिगेटिंग मिली थी, यहाँ से मेला प्रांगण खाली करवाते हुए पुलिस मिले थे, आज ऐसा कोई भी दृश्य हमें देखने के लिए नहीं मिला है। ये दोस्तों रस्ते में एक भक्त अपने सीने पे टैटो बनाते हुए दिखाई दे रहा है, ये देखिए दोस्तों, काफ़ी हिम्मत भरा काम है दोस्तों इनका। शौक बड़ी चीज़ होती है, हमेशा शौक के लिए ये जो टैटो गुरुद्वारा है अपने सीने पे, काफ़ी दर्द भी महसूस हो रहा होगा, परंतु शौक के आगे दर्द कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट गोगा मेड़ी और गोरख टीला मंदिर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।